12460 में शिक्षक भर्ती में 27 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से फाइनल सुनवाई के लिए ये केस लगा दिया गया है। यूयू ललित सर की बेंच में इस केस की फाइनल सुनवाई 27 अक्टूबर को होने वाली है। आप सभी अगर हमारे चैनल को लगातार देखते हैं और जानकारी लेते हैं तो आपको पता होगा कि 16 अक्टूबर तक सभी वकीलों को एक लिखित सबमिशन दाखिल करना अनिवार्य था और आज की तारीख जो हो चुकी है उस तारीख तक किन लोगों के लिखित सबमिशन दाखिल हुए हैं या नहीं हुए हैं इस बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस लिखित सबमिशन का महत्व क्या है। तो आप यहाँ पर ये समझ लें कि इस लिखित सबमिशन में पक्ष पार्टी या विपक्ष पार्टी सभी लोग अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखने वाले हैं, वहाँ पर स्पष्ट चीज़ें बताने वाले हैं जीरो जनपद के अभ्यर्थी कि हमें नियुक्ति क्यों चाहिए, किस आधार पर चाहिए, और विपक्ष पार्टी बताएंगे इनको नियुक्ति क्यों ना दी जाए, ये सभी चीज़ें। तो इसी के आधार पर इसी लिखित सबमिशन को जज महोदय ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस पर ज़्यादा गौर करते हैं, उसी के आधार पर ही ऑर्डर जो रिजर्व होते हैं वो आदेश भी लिखवाए जाते हैं लिखित सबमिशन पर। तो ये जो लिखित सबमिशन है ये सुनवाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए सभी जो अधिवक्ता होते हैं इस पर बहुत ही सही चीज़ें और स्पष्ट चीज़ें लिखते हैं और मजबूत चीज़ों को डाला जाता है इस पर, ताकि जज महोदय का जो आदेश है वो उनके पक्ष में रहे। सबसे पहले अब आपको हम यहाँ पर बता दें, अभी तक चाहे जीरो जनपद का हो, चाहे 51 जनपद का हो, चाहे चयनितों का हो, किसी भी वकीलों के माध्यम से या किसी भी टीम के द्वारा अभी तक लिखित सबमिशन दाखिल नहीं किया गया है जो अभी तक अपडेट प्राप्त हुई है। और जिस भी पार्टी का, जिस भी टीम का लिखित सबमिशन सबसे पहले दाखिल किया जाएगा, हम चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचित करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके लिखित सबमिशन में क्या दाखिल हुआ ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सभी अभ्यर्थी धैर्य रखें, 27 अक्टूबर को अंत होगा, सभी जो जीरो जनपद के अभ्यर्थी हैं, 51 जनपद के जो भी हैं, सभी का ये जो केस है, ये समस्या है, इसकी समाप्ति हो जाएगी 27 अक्टूबर 2020 को और एक नया आदेश आपको देखने को मिलेगा। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।